ये मौत नहीं है, ये नर पिशाच की तरह मारा गया। ऐसे कहाँ सिखाया जाता है ऐसे? सर करंट लगा देना, नाखून खींच लेना, ऐसे कैसे मारा? तब इस्तेमाल क्यों नहीं करे जब ट्रेन में चेतन शर्मा ने 3 लोगों को गोली मार दी? या तो जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये जायज ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं। हम तो उस किसी घटना को जायज नहीं ठहराते हैं, आप इसको जायज ठहराते हैं। बिल्कुल, तुम्हारी माँ का बहन का और तुम्हारी माँ का बहन का वो गाना बजा रहे हैं, डीजे पे गाना बजा रहे हैं, उनके घर के आगे से जुलूस निकाल रहे हैं, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का। जब राम मुल्ले का वंश मिटा देंगे तो आप किसी को गोली मार देंगे क्या? बिल्कुल, तो जब अगर बंदा जय श्री राम नहीं बोलेगा तो आप उसे गोली मार दोगे क्या? कहां गोली मारा? आज जब रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, तो आप वो रिपोर्ट जब टीवी पे देखे होंगे या फिर जब देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कितनी दरिंदगी से उस व्यक्ति को, उस युवक को मारा गया। 36 छर्रे निकले हैं उसके शरीर से, शरीर में नुकीली चीज़ों से वार किया गया है, आँख में कोई नुकीली चीज़ें जो है वो चुभाया गया है, और मारने से पहले नाखून खींचा गया। ये विभत्स घटना क्या दर्शाता है? आदमी एक और दो गोली से मर जाता है शर्मा जी, लेकिन 36 गोली मारना, नाखून खींचना, आँख में कुछ नुकीली चीज़ें घोपना, उसे चुभाना, ये क्या दर्शाता है? अभी तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, हम उनके साथ हैं, सिवाय योगी जी या फिर जो बीजेपी के कुछ नेता हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात आपने करी। आपने शुरुआत में एक बात बोली कि राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दलों नहीं, राजनीतिक दल, सिर्फ राजनीतिक दल, एक बीजेपी राजनीतिक दल है जो इस पे अपनी रोटियां सेक रहा है। रही बात आज आपने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात उठाई कि उसकी आंखों में भी घोपा गया है कुछ, आप अगर कल यहाँ होते, परसों यहाँ होते, तो मैंने पहले ही बोला था कि अभी तो ये आप शुरुआत में बोला गया था 2 गोलियां पड़ी हैं, फिर आया 4 गोलियां, फिर आ गया 16 गोलियां, फिर हो गई 20 गोलियां, आज आप कह रहे हैं 36 गोलियां। अभी शायद 36 का भी आंकड़ा बढ़ के 40 हो जाएगा। शर्मा जी, आप जब चैनलों पर बोलते हैं तो आपको लोग समझते हैं कि आप फैक्टफुली बात करते हैं। इसलिए मैं आपको, तो जो पोस्टमार्टम हुआ उस पर विश्वास नहीं है क्या? पोस्टमार्टम आपने पढ़ी? हाँ, कहाँ है दिखाइए सर। आपने नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। मैं इसलिए मैं उसमें जिक्र किया गया है, 36 गोलियों का जिक्र किया गया। अभी शाम तक तो मैं सारे ट्विटर चैनल, सब चीजें, सारे न्यूज चैनल, सब जगह खंगाल रहा था, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहीं भी प्रिंटआउट नजर नहीं आया। जब तक आपसे मेरी बात हो रही है, 1 घंटे के अंदर अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है तो एक अलग बात है। मैं 6 बजे इस इलाके में यहाँ पे आया हूँ, 6 बजे तक मैंने सारे ट्विटर हैंडल खंगाल लिए, सारे न्यूज चैनल के हैंडल खंगाल लिए, सारे जो अपने प्रिंट मीडिया के जो न्यूज हैंडल है उनको खंगाल लिया, लेकिन मैंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं नहीं पढ़ी। अब तो आ गया, आप नहीं पढ़े थे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मेरी गूगल नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड का ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने आपकी बात, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन से चैनल पे वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है? आप किस चैनल खोल लीजिए, आज तक खोल, ठीक है, उस पर आ चुकी है, बाकी एनडीटीवी खोल लीजिए, उस पर उन्होंने बोला गया है या रिपोर्ट दिखाई गई है? लिख के आ रहा है, उनके हेडिंग्स में आ रहा होगा ना। हेडिंग्स में आपको दिखा देता हूँ अभी, एक दिन देखिए, हेडिंग्स में आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी। 2 दिन पहले ट्विटर हैंडल पे चल रही थी कि अमित शाह करेंगे अंतिम संस्कार, अमित शाह का होगा अंतिम संस्कार, तो क्या उसे सच मान लिया जाए? बताइए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं मानी? सर एक मिनट, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। शर्मा जी, एक बात सुनिए, एक बच्चे की जान गई है और इस पे आपको हंसी ठिठोली सूझ रही है, मजाक सूझ रहा है? आप सुनिए एक मिनट, भाई साहब बीच में चुप रहिए जरा, आपको मजाक दिख रहा है? बिल्कुल मजाक मुझे नहीं दिख रहा, जिसकी हत्या हुई है दुख है, जिसके परिवार पे बीती है जानता हूँ, उसके परिवार पे क्या बीतरी होगी। क्या मैसेज देने की कोशिश किया गया पूरे भारत देश में? ये सिर्फ बहराइच का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, मेरे से बात कर लीजिए। यही आपने सवाल तब क्यों नहीं उठाया था जब एक कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में 3 लोगों को गोली मार दी गई थी, जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और 3 लोगों को गोली मार दी गई थी? ये आपने सवाल तब क्यों उठाया जब आर्यन मिश्रा को गोली मारी गई और इसे बोला गया कि नहीं हमने तो उसे मुस्लिम समझ के गोली मार दी है, तो गो तस्कर समझ के हमने इसे गोली मार दी, तब ये सवाल कहां गए थे? तब ये सारी की सारी ये ह्यूमैनिटी कहां गई थी भाई साहब? तब ये क्यों कहती? तब ये बात कहां उठ जाती है? घटना हो जाता है तो तुलना करेंगे सर, किसी का मौत हो गया, ये तुलनात्मक चीजें नहीं ना है सर? इस मौत पे दुख हो रहा है ना सर, तो इन्हीं मौतों पे दुख हो रहा है ना, दुख हो रहा है ना, सारी कम्युनिटी को दुख हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है। 22 साल का जवान आदमी, एक छोटा उसका बच्चा, उसकी बीवी, माँ बाप, उसके मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, दुख मुझे भी है। मैं जानता हूँ घर परिवार में से अगर जवान मौत होती तो क्या होता है, मैं जानता हूँ इस चीज को, लेकिन यही चीजें सारे मीडिया चैनल तब क्यों उठा रहे हैं? मौत नहीं है, ये नर पिशाच की तरह मारा गया, ऐसे कहाँ सिखाया जाता है ऐसे? सर करंट लगा देना, नाखून खींच लेना, ऐसे कैसे मारा? तब इस्तेमाल क्यों नहीं करे जब ट्रेन में चेतन शर्मा ने 3 लोगों को गोली मार दी? या तो जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये जायज ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं। हम तो उस किसी घटना को जायज नहीं ठहरा।
बात है, आप इसको जायज ठहराते हैं? मैं बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहा, मैंने उसको भी जायज नहीं ठहरा रहा, मैंने इसे भी जायज नहीं ठहरा। आपने जब सुनिए, अब सुनिए, जब नासिर और जुनैद को बंटी बजरंगी, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर ने जिंदा जला दिया था गौतस्करी के आरोप में, तब आपके ये शब्द कहाँ गए थे कि आप तब ये हैवानगी कहाँ चली गई थी? तब आपने ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करके हैवानगी दिखाई गौतस्करी के नाम पर जिंदा जला दिया गया, तब ये शब्द आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करके प्रूफ कर दिया सर इस मामले को? तो इसको कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि कितने हुए हैं, किसने मारा, ये कोर्ट ने प्रूफ हो गया? आपने मीडिया ने फैसला कर दिया ऑन द स्पॉट, प्रूफ कर दिया? नहीं, एक बात बताइए, जब ये मामला, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसे कोर्ट ने प्रूफ कर दिया? ये तो आंखों देखा है सर। वो आंखों देखा नहीं था, जो उनके जले हुए शव मिले थे गाड़ी में वो आंखों देखी नहीं थी? वो कंकाल जो उनके जले हुए मिले वो आंखों देखी नहीं थी? ये जो अभी आर्यन मिश्रा को गोली मारी गई 19 साल के लड़के को, ये आंखों देखी नहीं थी? मतलब कुछ भी करिए इसको जस्टिफिकेशन करेंगे आपकी, वहाँ जो हुआ सही हुआ, वहाँ जो हुआ सही हुआ। पूछा, ये जो 19 साल के आर्यन मिश्रा को गोली मार दी गई थी गौ तस्कर समझ के, और मारी भी किसने, हिंदुओं ने मारी, ये सही था? इस पे आपने आवाज क्यों उठाई साहब? इसके बारे में आपने क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप बताइए? शर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार से बोल देने से या फिर ऐसे करने से बिल्कुल जो एक समाज है जो दुर्दांत अपराधी है, जो बराबर ऐसे कृत्य करते हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही, बढ़ावा देने की कोशिश करें। अब ये दुर्दांत अपराधी की बात आती है, लॉरेंस बिश्नोई है आपका, टोटल बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के सारे, हमारा बीजेपी का आईटी सेल कौन सा है? आपका नहीं है तो मैंने बोला बीजेपी का आईटी सेल, आपका शब्द हटा दीजिए, चलिए मैं वापस लेता हूं अपना शब्द, बीजेपी का टोटल आईटी सेल, टोटल आईटी सेल ट्विटर पे भरा पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई की महिमा मंडन करने में। वाह वाह, ये आया हमारा जय श्री राम, इसने अपने बाजू पे गुदवा रखा है टैटू जय श्री राम का। सुन लीजिए, करिए पूरी बात हो जाने दीजिए, बाजू पे उसने टैटू गुदवा रखा है जय श्री राम का, तो वो नया नया पापा बन गया भक्तों का, उसको कहां से जस्टिफाई करा जा रहा है? ये आया असली जय श्री राम का रक्षक, इसका हुड देखो, बाहर से तो काले लेकिन अंदर से भगवा है, ये बंदा हमारा उद्धार करेगा, सारा का सारा बिश्नोई समोज और उसको हीरो बना दिया गया। ये अपराधियों का महिमा मंडन नहीं है, आपको दिखाऊंगा अभी ट्विटर पर निकाल के, सारा बीजेपी आईटी सेल उसका महिमा मंडन में लगा हुआ है। आप उस पर आवाज क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं उठाते उस पर आवाज? भाई साहब, आवाज उठे तो हर जगह पे उठे, वरना एक तरफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। गलत थी तो गलत थी, सबसे पहले शासन प्रशासन की गलती, जब जुलूस निकल रहा है वो तुम्हारी माँ का बहन का और तुम्हारी माँ का बहन का, वो गाना बजा रहे हैं डीजे पे, गाना बजा रहे हैं उनके घर के आगे से, जुलूस निकाल रहे हैं, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, जब राम मुल्लर का वंश मिटा देंगे तो आप किसी को गोली मार देंगे क्या? बिल्कुल कौन था बाबर? तो जब अगर बंदा जय श्री राम नहीं बोलेगा तो आप उसे गोली मार दोगे क्या? कहां गोली मारा? चेतन शर्मा कौन था? चेतन शर्मा कौन था जिसने कांस्टेबल था, जिसने 3 गोलियां मारी, कौन था वो? कौन था वो? क्या बोला था उसने? जय श्री राम बोलो वरना मैं गोली मार दूंगा। उन्होंने कहा हम नहीं बोलते, ठा 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 3 बंदों को गोली मारी, कमांडेंट ने रोकने की कोशिश करी, कमांडेंट को गोली मार दी। 4 मर्डर करे या नहीं करे उसने? करे या नहीं करे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? 4 मर्डर करे या नहीं करे? हाँ या ना? आप जब बोलते हैं, नहीं नहीं, आप जब बोलते हैं तो आप कन्हैया कुमार को भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं भूलता कन्हैया कुमार, आपने बोला आपके आज तक के एक भी डिबेट डिबेट मैंने नहीं देखा आपके मुंह से। आप कन्हैया कुमार का आपने वास्ता निकाला, कन्हैया कुमार के हत्यारों का कहां से कनेक्शन निकला? बीजेपी से निकला या नहीं निकला? कन्हैया कुमार के हत्यारों का बीजेपी से कनेक्शन निकला या नहीं निकला? क्यों निकला एक ही पार्टी से? बोलता हूं मैं तो सबके लिए बोलता हूं भाई साहब, आप अगर नहीं सुन रहे तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जिस भी किसी भी कहीं भी किसी भी महिला के साथ गलत होता है मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। इस तरह की मॉब लिंचिंग होती है कहीं भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, मैं उसके खिलाफ जरूर बोलता हूं, जरूर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सिलेक्टिव आइटम है कि मैं इसी के लिए बोलूंगा। मैंने अगर आर्यन मिश्रा को गोली मारी उसे भी गलत ठहराया, कांस्टेबल चेतन शर्मा ने गोली मारी 3 लोगों को मैंने उसे भी गलत ठहराया, और जो आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में एक बलात्कार के नाम पर डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था लड़की का, 4 लोगों का एनकाउंटर करा गया था, पुलिस वालों को माला पहना के स्वागत करा गया, और बाद में जब एसआईटी बैठी वो चारों के चारों बेकसूर पाए गए थे। मैंने उस चीज को तभी गलत ठहराया था कि ऑन द स्पॉट ये फैसले का सिस्टम गलत डल रहा है। अब उन चारों की जिंदगी वापस ले आओगे इस पूरे प्रकरण में? शर्मा जी, जब से आप ये पूरा प्रकरण देख रहे हैं, नहीं आएगी, ये कभी नहीं आ सकती है भाई, रुक जाओ। इस पूरे प्रकरण में आप शुरुआत से लेकर के अभी तक, हाँ जी, अगर आप दोनों पक्षों को सुने, बिल्कुल, पुलिस की सुने, प्रशासन की, हाँ सुने, सरकार के जिम्मेदार लोगों को सुने, हाँ जी, आपको कहाँ गलती दिख रहा है, कैसे हो गया? जबकि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का एक एग्जाम्पल जो है पूरे देश में लोग पेश करते हैं कि नहीं ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, वहाँ कहाँ गलती करते? पहली बात, गोदी मीडिया पेश करता है सबसे पहली बात, और दूसरी बात बीजेपी आईटी सेल के वो लोग पेश करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात करते हैं, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, भारत के 29 राज्यों का और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का डाटा रखता है। उस डाटा को उठा के देख लीजिएगा, महिलाओं के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, हत्या, डकैती, इन सब मामलों में यूपी नंबर वन चल रहा है। हिरासत में मौतों में यूपी नंबर वन चल रहा है, अपहरण के मामले में यूपी नंबर वन चल रहा है, हर चीज में नंबर वन चल रहा है। सरकारी संरक्षण में वहाँ पे गुंडे पल रहे हैं, भरी कोर्ट में लोगों को गोली मार दी जाती है। आप कहते हो यूपी में कानून व्यवस्था बढ़िया है,
अपराधी अतीक अहमद, मेरी कोई सहानुभूति नहीं उससे। जब उसे पुलिस कस्टडी में ले जा रहा होता है, तीन लोग आते हैं मीडिया के बेस में और उसे गोली मार के चले जाते, कितनी बढ़िया आपकी कानून व्यवस्था है ना, कितनी बढ़िया। मुख्तार अंसारी, सुबह उसे कहा जाता है कि इसकी तबीयत खराब है, शाम को उसे जहर दे के मार दिया जाता है, कितनी बढ़िया कानून व्यवस्था है, शानदार शानदार कानून व्यवस्था भाई साहब। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में शानदार कानून व्यवस्था। जन्माष्टमी की रात को, जन्माष्टमी की रात, एक रिकॉर्ड हो गया, जन्माष्टमी की रात को बहन बेटे, अमित शाह जी का बयान था, अमित शाह जी का बयान था, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया कि रात को 12 बजे के लिए लड़की गहने पहन के स्कूटी पे निकल सकती है, ठीक है जी। उसी में जन्माष्टमी पे, रात को जन्माष्टमी का मेला देखने दो लड़कियां गई थी, अगले दिन सुबह उनकी दोनों की लाश जो है पेड़ पटंगी की पाई गई थी और उनके साथ रात को बलात्कार करा गया था। किसको सही माने आप, इसे लॉ एंड ऑर्डर के सही मानते हो? भाई साहब मैं तो नहीं मानता इसको सही। और बताइए क्या बताऊंगा, कितनी बोल खोलूं। जब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, तभी इस प्रकार की घटना हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल जाहिर बात है, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर काम करता है तब जब आप हर व्यक्ति को जो भी गलती करने वाला है उसे उठा के जेल में डाले। लेकिन वहां क्या होता है, आपको छोटी सी घटना का उदाहरण देता हूं। लखनऊ विधानसभा के पास पानी वाला कांड हुआ था, पीछे मोटरसाइकिल पे लेडी बैठी थी, पानी उछाल उछाल के फेंका था, 16 अभियुक्त पकड़े गए थे। मोदी योगी जी ने विधानसभा में क्या नाम लिए थे? पहला यादव, दूसरा मुसलमान। बाकी जो 14 जो लड़के थे, जो त्रिवेदी त्रिवेदी शुक्ला उकला सारे मिला जुला के उनके स्वे जाती थे, उनका किसी का नाम ही नहीं लिया। कि अब इसमें जो परिवार है जी, उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल। और न्याय ऐसे होगा कि जैसे हमारे बच्चे गए हैं उसी प्रकार से न्याय चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग मांग करते रहेंगे सरकार से। जनमन बात है। आपको क्या लगता है न्याय किस प्रकार से और कैसे इसे घटना में दिया जाना चाहिए? मामले को कोर्ट में लेके जाइए, आप पुलिस मामला दर्ज करेगी, उसमें सबूत पेश करिए, न्यायालय जो भी फैसला देगा वो हमें मंजूर होगा। अगर उन्हें फांसी होती है हमें मंजूर है, उन्हें चौराहे पे फांसी देने का ऑर्डर अगर न्यायालय देता है हमें मंजूर है। लेकिन आप अपने हिसाब से खुद कैसे फैसला कर देंगे ऑन द स्पॉट? उनके परिवार वालों की डिमांड है, मेरा बच्चा मारा गया इन्हें भी मारो। आपको याद है महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर आंख के बदले आंख मांग ली जाए तो सारा का सारा विश्व अंधा हो जाएगा। तो ये चीजें सब लॉ एंड ऑर्डर में, तभी हमारी तो बात बनती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाइए, जो भी अभियुक्त है उन्हें पकड़िए जिन्होंने भी गलती करी। लेकिन ये मामला एक तरफा नहीं होना चाहिए। उसी तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में आर्यन मिश्रा के जो हत्यारे हैं उनका भी मुकदमा चलना चाहिए, उसी तरह नासिर जुनेद जो है उनका भी मुकदमा चलना चाहिए, उसी तरह चेतन शर्मा का मुकदमा भी इसी मामले में चलना चाहिए। क्या शर्मा जी ये घटना इस चीज को उजागर नहीं करता है कि जब किसी रूट से यात्रा निकलने वाली हो तो रूट में जितने मस्जिद हो, जितने घर हो, या फिर अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से दोनों गुटों के बीच में झगड़ा होने वाला है तो दोनों गुटों को पहले एक सप्ताह पहले जितने लोग जाएंगे, या फिर जैसे पुलिस को पूरी तरीके से निगरानी लेनी चाहिए, चाहे वो हिंदू का घर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मुसलमान का घर हो, चाहे पत्थरों की निगरानी हो, डंडों की निगरानी हो, या हथियारों की निगरानी हो। जनमन बात आपने कही, लेकिन पुलिस प्रशासन काम किसके अंडर में कर रहा है साहब? हजारों की भीड़ वहाँ पे जो है दुर्गा पूजा की ये जो यात्रा निकाल रही थी, दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकाल रही थी, और पुलिस वाले कितने मौजूद थे? मुश्किल से 1.5 या 2 दर्जन। और वो भी आप तमाम वीडियो देखो, कंधे पे बंदूक टांगे हुए, पुराने 303 के टाइम के राइफल है, और आते में एक वो प्लास्टिक वाला डंडा लिए वो घूम रहे हैं। किसी को उन्होंने रोकने की कोशिश ही नहीं। प्रशासन को पता था ना कि इस तरह के जब ये नारे लगाए जाएंगे, भड़काऊ मामला दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं से मामला भड़केगा। भाई साहब मैं आपको रोज गालियां देता रहूं, एक दिन तो आपका भी सब्र छलकेगा। प्रभु कृष्ण का 99 गालियां दी थी शिशुपाल ने, तब तक उनका सब्र का पैमाना नहीं छलका, लेकिन 100वीं गाली के बाद उनका भी सब्र का पैमाना छलक गया था और उन्हें अपना सुदर्शन चक्र चला दिया था। कोई आदमी कब तक सहन करेगा भाई साहब? आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो कह रहा है कि हिंदू सहन करते आ रहा है, अगर आप विश्वकर्मा पूजा में पत्थर फेंक दिए सहन कर लेगा, गणेश विसर्जन में पत्थर फेंक रहे हैं सहन कर लेगा, रामनवमी में फेंक रहे हैं मैं भी हिंदू सहन कर रहा है, लेकिन कब तक पत्थर फेंकते रहेंगे ये, कब तक डराते रहेंगे कि इस रूट से आप यात्रा नहीं निकाल सकते? ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, मैं भी हिंदू हूँ। सुनिए, आज तक कभी किसी ईद के रैली में या फिर इस प्रकार के जब हमारे मुस्लिम भाई निकालते हैं कहीं पत्थर फेंका जाता है क्या? वही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनिए, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, पहले से पहले जब मैं आपको लगातार भड़काऊंगा, जब मैं आपको लगातार प्रोवोक करूंगा, आपने ईद के जुलूस की बात करी, आपने ईद के जुलूस में कहीं देखा कि श्री राम की तुम्हारी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारी माँ बहनों का ऐसा कर देंगे, या तुम्हारी माँ का और तुम्हारी बहन का ये बता दो? यहाँ ईद का पूरा मेला लगता है, लगातार मैं इसी इलाके का रहने वालों, मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना दूसरे को कहते हो कि तुम्हारे राम की तो ऐसी की तैसी या कुछ और। आप इसे काट के शॉर्ट में मत चला देना कि मेरा इसे काट में चला दो, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप इसी चीज को कहते हो कि तेरी राम की ऐसी की तैसी, शर्मा जी ने तो राम की ऐसी तैसी कर दी। मैं सिर्फ एक उदाहरण, ऐसा बोल ही क्यों रहे हैं सर? हाँ जी, ऐसा बोल ही क्यों रहे ना भाई, वही बात आएगी ना कि ऐसा बोल ही क्यों रहे। आप लोग क्लिप काटने में बहुत तेज हो, मीडिया कंपनी क्लिप काटने पूरा इंटरनेट जानता है कि क्लिप काटने वाला कौन है और क्लिप कटुआ किसे कहा जाता है, पूरा पूरा नेट इंटरनेट जाता है, क्लिप कटुआ कौन है? बिल्कुल बीजेपी आईटी सेल है।
तो मतलब हम ही जो है सो आपसे आप ये पूरी चलाएंगे ना? हाँ पूरी चलाएंगे ना, पूरी चलाएंगे आगे की भी और पीछे की भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कोई हमारे हमें वीडियो, मेरी बात अब वहाँ पे खत्म होती है कि क्या आपने किसी भी ईद के जुलूस में या मोहर्रम के जुलूस में इस तरह के नारे लगते हुए देखे? कल परसों यहाँ से अभी शोभा यात्रा निकली है पूरी की पूरी, वो माधवदास पार्क से होती हुई, इस पर पहली मस्जिद ये रही शीशगंज गुरुद्वारे के पास है, दूसरी मस्जिद वो रही, तीसरी मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद, दोनों तरफ लोग खड़े थे, मुसलमान भी खड़े थे, हिंदू भी खड़े थे, आनंद ले रहे थे। ना किसी ने उस यात्रा में ना कोई भड़काऊ गाने बजे, ना कोई भड़काऊ भाषण हुए, आराम से दोनों तरफ से फूल फेंके गए। जब मैं आपको गाली नहीं दूंगा तो भाई साहब आप मुझे पलट के गाली दोगे क्या? नहीं दोगे ना। मैं आपसे कहूंगा भाई साहब आप भी एक बार तो कहो चलते यार ठीक है, पसंद आप मुझे नहीं करते हो, हाँ जी ठीक है बस, भाई साहब ही नहीं बोलोगे, चलो साहब तो बोल दोगे, कुछ तो बोल दोगे। लेकिन जब आपको लगातार भड़का जा रहा है, आपका टॉप मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप आपकी कह रही है बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ, शस्त्र भी रखो शास्त्र भी रखो। और लगातार विजयादशमी वाले दिन तमाम सोशल मीडिया पे इनके बीजेपी आईटी सेल वालों के तलवारें हिलाते हुए फोटो डली हुई है, सबकी वीडियो डाल रखी है, सबने लोगों ने एक एक मिनट में तलवारें पैनी कर लो, कभी भी जरूरत पड़ सकेगी। जब इनकी वो प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी जब कोर्ट में जाती है तो वो उसके व्हील चेयर पर बैठ जाती है, जब बाहर आती है तो फुटबॉल खेलती है, आरोपी है या नहीं है मालेगांव बम विस्फोट की, फिर तो फिर हम उसे कैसे नड़ा? और वो बाहर आके कहती है हिंदू अपने घर में चाकू छुरियां तेज करके रख लो, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, मेरा इशारा समझ जाओ। नवनीत राणा क्या कहती है? नवनीत राणा कहती है आप अगर कहना चलो, और जब आपने माधवी लता का वो देखा था एक्शन, एक मस्जिद सामने है तीर चला रही है मस्जिद की तरफ, मैं इस पे तीर चलाऊंगी, हार गई ना, फिर अब एक बात घूम रही है कि जब कहीं भी इस प्रकार घटना होता है अगर उसमें आरोपी अगर यदि मान के चलिए कोई भी हो, हाँ जी, लेकिन जिनके ऊपर घटना हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, जिनका जान गया है, अगर वो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनके घर पे तमाम विपक्ष के नेता जाते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, और सबसे पहले जाते हैं, लेकिन इस घटना में एक भी ऐसे सेकुलर नेता जो अपने आप को भारत के सेकुलर का जनक कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि हम इसे जीवित रखने में पूर्ण रूप से सक्षम है और हर काम करेंगे इसे जीवित रखने के, ना किसी प्रकार का ट्वीट, ना वहां जाना और ना ही कोई शोक संवेदना, क्या क्या दिखाया जा रहा है? क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक सुरक्षित करने की कोशिश तो नहीं है ये? बिल्कुल वोट बैंक सुरक्षित करने की कोशिश है, इसीलिए जो है बिल्कुल बिल्कुल राम गोपाल के घर जाने से इतरा रहा है, कतरा रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात विपक्षी पार्टी तक पहुंचा दूंगा, अगर मेरी बात वो लोग सुनेंगे तो मैं उनसे अपील करता हूं भाई जाइए आप लोग भी अपनी राजनीतिक रूट ऐसे किए, बस हो गया, आप इतना ही कहेंगे और बताइए क्या? बाकी मामलों में तो आप लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ना मेरे कोई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन के, मैं भी उन्हें फोन मिला दूं, तमाम लोग यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जानते हैं बिल्कुल कि आप, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, फिर से अपील करता हूं सारे विपक्षी नेताओं से अपील करता हूं, ठीक है साहब जाइए इस मामले में जाके अपने अपना पक्ष दीजिए, अपने अपनी राय दीजिए। अभी तक इसका क्या कारण हो सकता है शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं आपकी मेंटेलिटी क्या है, मैं उसका कारण तो नहीं जान सकता जब तक आप एक्सप्रेस नहीं, आपका मेंटेलिटी लोग जानते हैं, मेरी मेंटेलिटी लोग जानते हैं, मैं तो गलत को गलत ठहराता हूं, मैंने तो सारी चीजें गलत ठहरा है, आप मेरे से सवाल कर सकते हो मेरे बारे में, थर्ड पार्टी क्या कहेगी उस बारे में आप कैसे सवाल करोगे? इतने अगर जब से हम 15-20 मिनट बात किए हैं आपके बारे में तो हमने बात किया नहीं, पूरा प्रकरण बहराइच के बारे में था और आपने खुल के बात भी किया, तो इस मामले को पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए वहां पे, क्यों नहीं कहा कि हमने जो है शोक संवेदना, हम इनके लिए कुछ भी, सड़कों पे उतरेंगे, सड़क जाम कर देंगे, सत्य की लड़ाई होगी, जीतेंगे? बिल्कुल कहना चाहिए, आपके सारे शब्द में शब्द से अग्रसर करूंगा उन्हें, अभी आज ही मैं उनको ट्वीट करूंगा अगर उन्होंने मेरा ट्वीट पढ़ लिया तो, वैसे पढ़े ना पढ़े कोई भरोसा नहीं भाई, बड़े आदमी है, लेकिन अगर वीडियो वहां तक पहुंचेगी तो मैं कहता हूं अखिलेश जी से भी कहता हूं, राहुल जी से भी कहूंगा, सबसे अपील करूंगा भाई, मौत एक तरफ नहीं हुई है, मौत ही होती है, चाहे किसी के भी घर में हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर आप लोगों में संवेदना है तो आप उनके घर जाइए, पीड़ित परिवार को ढांढस बताइए, उसकी जितनी हर संभव सहायता हो सके वो करिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, मौत व्यक्ति का एक गोली में हो सकता है जी, आदमी मर सकता है लाठी डंडे से मर सकता है जी, और मामूली चोट से भी मर सकता है जी जी, 36 जो छर्रा निकला है जी जी, और नाखून खींचा गया है, करंट लगाया गया है जी, ये किस सोच को दर्शाता है? पैशाचिक सोच है, पैशाचिक सोच है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल डिनाई करता हूँ, चाहे वो किसी ने भी करा, आपराधिक मानसिकता तो ये मन में ये कुंठित तो बहुत दिनों से चल रहा होगा कि कोई हमें मिल जाए और हमें जो है इस प्रकार से किसी को मार देना है ताकि लोगों को मैसेज चला जाए। 100% आपकी बात से सहमत हूँ, इसी चीज का लगातार बीज बोया जा रहा है, लगातार लोगों को इसी चीज से कुंठित करा जा रहा है, लोगों के दिमाग में यही भरा जा रहा है। अब आप उसकी वीडियो उठा के देखिए, ये जो हुआ बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ, 22 साल का था, जवान बच्चा था, बिल्कुल मेरे बेटे की उम्र का लगभग,
मेरा बेटा भी 22 साल का है, मुझे बहुत दुख हो रहा है उसका, सीधी सी बात है, मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा इसमें, लेकिन जो चीज़ हुई है वो गलत है। लेकिन लोगों में भरा कैसे जा रहा है, शस्त्र उठा लो शास्त्र छोड़ दो, शस्त्र उठा लो शास्त्र छोड़ दो, लोगों के दिमाग में भी तो भरा जा रहा है। इसने कहा कि शस्त्र उठा लो और शास्त्र छोड़ दो, बीजेपी के टोटल आईटी सेल को देखो, आप बीजेपी के पदाधिकारियों को देखो, सुधांशु त्रिवेदी को देखो, हाँ जी शस्त्र और शास्त्र दोनों अपने घर में रखो, अब शास्त्र का टाइम नहीं है, शस्त्र उठाने का टाइम है। आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, देखिए लगातार उनके किस तरह के प्रोवोक करने वाले बयान आ रहे हैं। हमारा टॉप लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो आप में क्या गलती है भाई, किसके लिए कह रहे हैं वो, हिंदू और मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, आप ये क्यों नहीं कहते कि 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है बटो मत, नहीं तो हमें चाइना काट जाएगा, ये रहा चाइना की हरकत। इसमें कहा गया कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें सिर्फ हिंदुओं को कहा जा रहा है, मुसलमानों को कहा जा रहा है, यही तो कहा है उन्होंने। उसके बाद क्या आता है उनका सारे ट्विटर हैंडल में नीचे जब आता है, हिंदू एक हो जाओ मैं मदरसे बंद कर दूंगा, उनके हमें हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं, मैं आसाम को मियां भूमि मुक्त कर दूंगा, मैं आसाम को मियां की भूमि नहीं बनने दूंगा, तो जब उनके सबॉर्डिनेट उनको फॉलो करते हैं जवाब, जब उसी ट्विटर पे, जब उसी ट्विटर पे शर्मा जी, जब उसी ट्विटर पे ये कहा जाता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से किसी भी इस्लामिक कंट्री का, जब आदमी सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो है सो एक होने की वो करता है कि हम एक हैं इसी नारे को लेकर के, तो बटोगे तो कटोगे में कहां दिक्कत है। नहीं, जो धारा बनती है वो धारा लगाइए, जो न्यायालय सजा तय करेगा वो मंजूर, यही चीज होना चाहिए देश में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही मामला सर अगर यदि वहां हो जाता कि उस लड़के के किसी बात को का बुरा माना गया, झंडा उतार दिया, जो भी कहा, गाना बज रहा था, पुलिस के हवाले अगर किया जाता, अगर यदि पुलिस तक चौकी तक पहुंचा, अगर पक्ष पहुंच जाता, एक पक्ष मुस्लिम पक्ष पहुंच जाता, तो कितना बढ़िया रहता। क्या उस पक्ष का विश्वास नहीं है पुलिस में, क्या संविधान में विश्वास नहीं है? पक्ष का विश्वास नहीं, पुलिस ने अपना विश्वास खुद खो रखा है। आपको याद है पिछले साल मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी, मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर है, आपको घटना याद है, तृप्ति त्यागी जो लेडी थी, लेडी टीचर, उसने अपने स्कूल में बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए थे, इसको बोलो ये मोमडन है, इसको थप्पड़ मारो, आज तक उस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तक ने टिप्पणी कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना पक्ष खो रखा है, फिर कह रहे हैं पुलिस के हिसाब से न्याय मिलनी चाहिए, पूरी बात क्यों नहीं सुनते, लोगों का विश्वास कहां डगमगाता है। जब उसने भी है कि पुलिस के पास जाना चाहिए और आप कह देते हैं कि पुलिस ने अपना पक्ष खो चुका है, मैं पूरी बात करने जा रहा हूं ना, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, लोगों का विश्वास कहां डगमगाता है। जब उस तृप्त त्यागी को ना तो एक दिन की हिरासत में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, नहीं लिया ना, तो लोगों के ऊपर से विश्वास कौन हटा रहा है, पुलिस हटा रही है, प्रशासन हटा रहा है, तो फिर यही परिणति आगे आपको लगातार देखने को मिले। हम जितनी मर्जी अपील करते रहे, आप जितनी मर्जी अपील करते रहो, अब आपने कहा कि लोगों की ये डिमांड है कि ऑन द स्पॉट उनका एनकाउंटर करा जाए, तो फिर अब इसमें पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं जा रहे, वो ये कहने कि भाई पुलिस प्रशासन आप इस पे जो भी कार्रवाई वो उचित करो, उसके घर वाले क्यों कह रहे हैं हमें तो मौत का बदला मौत चाहिए, वो क्यों नहीं कह रहे कि हाँ जी हमारे को न्याय अनुसार फैसला दो। को तो समझिए आदमी जब किसी वही, को खोता है, वही भावनाएं ऐसी तरह के हर तरफ से, दोनों तरफ से आप देखो, यही पुलिस प्रशासन की बात थी, तो इसी पुलिस प्रशासन ने आज तक 1.25 साल हो गया उस घटना को हुए, तृप्ति त्यागी ने जो बच्चे को थप्पड़ पड़वाए थे, और इसी का अपोजिट हुआ था, एक शबाना सिद्दीकी लेडी थी जम्मू में, उसने हिंदू लड़के को थप्पड़ पड़वाए थे, उसे उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था, तो कानून का दोगला रूप आपको नजर आता है नहीं आता? जब कानून का दोगला रूप इस तरह से नजर आएगा तो लोगों का तो कानून व्यवस्था से विश्वास उठेगा ही उठेगा, और जंगल राज कायम होने में देर नहीं लगेगी, और इसीलिए गोली चला के करंट लगा के मार दो। बिल्कुल ठीक बात, नहीं मारना चाहिए ना, मैं भी इसके खिलाफ हूँ।